दर्शक बंधु कट्टरपंथी मानकर प्रतिक्रिया रे एबे जबरदस्त पलटा जवाब ब्रिटेन सरकार तरफ देखा मिली। ए घटना एथिपाई एक प्रकार गुरुत्वपूर्ण एवं ब्रिटेन पाई आवश्यक हो पड़ी कि लगातार ब्रिटेन रे एभली प्रवक्ता मानकर जो भली ढंग से जनसाधारण को उस्केवा भली घटना एवं एहा परे परे ब्रिटेन रो राजरास्ता रे अनेक प्रकार रो छोटमोट दंगा नियमित देखा जीवा फल रे एहार एक बड़ अवसान पाई अंटा भिड़ीतिबा ब्रिटेन सरकार सीधासलख एक निर्देशावली जारी करिचंती कि खास करी पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो इंडोनेशिया हो एही देश मानकर प्रवक्ता मान खास करी कट्टरपंथी प्रवक्ता मान ब्रिटेन पाई आसिबा को कोनोसी प्रकार रो वीजा दिया जीवो नाही एवं लगातार ब्रिटेन रे देखा जाउथबा एभली धर्म को नै जेउभली एही प्रवक्ता माने निजर बयान बा भाषण माध्यम रे लोकों को भितरे एक प्रकार उग्र भाव को जन्म देवारे समर्थ होउचंती एहार अवसान पई ब्रिटेन एमिति एक कड़ा पदक्षेप नवाकु जाउछि। ब्रिटेन सरकार सेठारे थिबा प्राय प्राय मस्जिद उपरे मध्य बे नजर पकेबा आरंभ करिछि। एपरिकि ब्रिटेन रे एक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान तरफ एक प्रकार 21 मस्जिद रे एभली प्रवक्ता मानकर अभिभाषण लोक मानंकु अन्य धर्म प्रति विद्वेष सृष्टि करबा पई प्रेरित करथवार मध्य अभियोग करिछि। एही आधार रे प्रवक्ता मानंक उपरे लगाम लगेबा पई ब्रिटेन शेषरे एमिति एक निर्देशावली जहाकु नो वीजा एंट्री बोली कहा जाउछि एहा करबा पई बाध्य होइछि। दर्शक बंधु विगत दिन मानकरे जदि आमे किछि यूरोपियन देशरे किछि धर्म को नै विद्वेष देखिबा जदि आरंभ करिबा ताहले एही भली घटनाक्रम रे फ्रांस सबुठारु पीड़ित बोली जणा पड़िछि। फ्रांस सेई देश जे अनेक प्रकार रो शरणार्थी मानंकु थैथान व्यवस्था करिछि एपरिकि बहु लोक बाहरु जाई फ्रांस रे नागरिकता मध्य ग्रहण करिछन्ति किंतु लगातार एथिरे अनेक प्रकार रो धर्म को नै विद्वेष भाव सृष्टि होउथबा दिनकु दिन देखिबाकु मिलिछि। एभली क्षेत्र रे फ्रांस मध्य अपातत आउ एक चरम फैसला नबा पई बाध्य होइथिला एवं मोटामोटी भावरे से एठाकार किछि कट्टरपंथी प्रवक्तांकु टार्गेट करी एमानंकु स्वदेश फेरि जिबा पई मध्य एक प्रकार रो निर्देशावली जारी करथिला एवं एही अनुसरण रे ब्रिटेन मध्य एबे एभली किछि कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई जाउछि एवं जेउथिरे सीधा सळख एही प्रवक्ता माने खास करी पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं इंडोनेशिया रो कट्टरपंथी प्रवक्ता मानंकु उपरे लगाम लगा जिबा पई ब्रिटेन सरकार एबे अंटा भिड़ीतिबा जणा पड़िछि। एभली स्थिति रे आगकु चली ब्रिटेन सरकार दंगाकारी मानंकु उपरे मध्य कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे बोली जणा पड़िछि। जदि आमे ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कथा सुनिबा ताहले ऋषि सुनकर बयान रे कहा जाइछि कि एमिति नुहो जे अन्य देश रु आसीथिबा धर्मावलंबी मानंकु ब्रिटेन सुरक्षा देउ नाही। ब्रिटेन रे रहिबाकु हेले आपण माने जेउ धर्म रो हुवंतु आपण माने हिंदू धर्म होई ब्रिटेन नागरिक हुवंतु आपण मुस्लिम हुवंतु ख्रिस्टियन हुवंतु ज्यूज हुवंतु बा एही धर्म रो होई आपण देशभक्त भी हुवंतु एथिरे ब्रिटेन रो कोनसी असुविधा नाही किंतु गोटिए निर्दिष्ट धर्मर प्रचार बहानारे अन्य धर्म प्रति विद्वेष भावना सृष्टि करिवा भली अभिभाषण को बर्दाश्त करा जीव नाही। तेणु एभय क्षेत्र रे एबे एही तीनोटी देशर कट्टरपंथी प्रवक्ता मानंकु सीधा सळख ब्रिटेन रे आउ पुरै दिया जीव नाही एभली एक निर्देशावली ब्रिटेन सरकार जारी करथिबा जणा पड़िछि। अन्य पटरे इजराइल एवं हमासर युद्ध अक्टोबर 7, 2023 रु आरंभ हवा परे परे ब्रिटेन रो राजरास्तारे मध्य एनेई सपक्ष विपक्ष रे एक प्रकार रो गंडगोल परिस्थिति बहु मात्रा रे उपजीथिबार कथा सामना को आसीथला एवं मोटामोटी हमास को समर्थन दबा पई जाय मध्य किछि प्रवचन रो कथा एठारे सरकार जानी पारिथिले। एभली स्थिति रे ब्रिटेन रे आउ एभली कोनोसी दंगा बा हिंसा को प्रश्रय दिया न जाई आगो को चली एभली कड़ा बा कठोर शासन रो आवश्यकता रहिची एकथा को निज निर्देशावली रे ब्रिटेन सरकार बुझेबा आरंभ करिछन्।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ କୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। କାରଣ ଏଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ମାର୍ଗାଲିଓଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଗିଚାରେ ଲେବାନନ୍ରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାଡ଼ କରାଯିବା ପରେ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କେରଳର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ 11:00 ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଉତ୍ତର ଥିବା ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେରଳର କୁଲାମର ପଟନିବିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜିବ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୁସ୍ ଜୋସେଫ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ପଲ୍ ମାଲଭିନ୍ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।